हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले लेने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ और जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। तो सिंपली आप स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट पे जाने के बाद आप कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसको खोलिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये वाली एप्लीकेशन डिलीट करके दिखाऊंगा, जो ऑफिस टैब सेंटर है इसको मैं डिलीट करके दिखाऊंगा। तो आपका ऐसे इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स और अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम मिलेगा। तो अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे पास, ये देखिए ऑफिस टैब करके ये रहा, ये वाली एप्लीकेशन है। तो मैं इसको इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है और मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूंगा। तो यस करना है फिर आपको और देखिए ये अनइंस्टॉल के लिए रेडी हो गया है, ये लाइन पूरी होगी। और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है कितना छोटा है। देखिए यहाँ पर लिखो आ गया ऑफिस टैब बहुत सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ से भी हट गया है और यहाँ से भी डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने इसको जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।